अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 57। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि आप कोई भी डायमेंशंस हो गए, कोई टेक्स्ट हो गया, लेडर या एनिमेशंस, कोई कोई भी चीज़ है तो उसे आप फ्रंट पे कैसे लाते हैं। तो आज हम देखेंगे ब्रिंग टेक्स्ट टू फ्रंट, फ्रंट पे टेक्स्ट को किस तरह लाया जाता है, ब्रिंग डायमेंशन टू फ्रंट, डायमेंशन को फ्रंट पे कैसे लाते हैं, ब्रिंग लेडर टू फ्रंट एंड ब्रिंग ऑल एनिमेशंस टू फ्रंट, और उसके अलावा सेंड हैच टू बैक। आज के ऊपर हम आज या लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं सेंड हैच टू बैक एंड फ्रंट इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और ये आज का लेसन भी जो है हमारे पास ये डायमेंशंस वगैरह या फिर अपने लेटर टेक्स्ट को जो फ्रंट पे लाते हैं, तो ये भी ऑटो कैड 2015 में न्यू फीचर्स हैं जो कि ऑटो कैड 2007 में ये चीज़ें नहीं थी। और ये ऑटो कैड 2015 में कुछ नई इंट्रोड्यूस हुई हैं तो उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑटो कैड को ओपन किया और मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ग्रिड लाइन को ख़त्म करने के लिए F7 प्रेस करूंगा मैं। ओके, अब डायमेंशंस के लिए मैं कुछ डायमेंशंस के लिए या फिर टेक्स्ट के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ किया और सबसे पहले मैं यूनिट को सेट करूंगा, यू एन एंटर, और इंजीनियरिंग यूनिट देता हूँ मैं 0 फुट 0 इंच एंड ओके। डायमेंशन के लिए डी एंटर करता हूँ एंड मॉडिफाई, और यहाँ से मैं इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच एंड ओके। सेट करंट एंड क्लोज के ऊपर डिस्कस करता हूँ। और अच्छा, तो इसके बाद मैं सारे काम करने के बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, ओके। एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो इन चीज़ों के ऊपर, सब के ऊपर कोई ना कोई अब काम करना है। तो मैं रेक्टेंगल को सबसे पहले, मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया मैंने और मैं से थोड़ी सी विड्थ बढ़ाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो कि आपका टेक्स्ट जो है फ्रंट पे आए कि नहीं। तो उसके लिए मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा। विड्थ तो बढ़ गई लेकिन ये सामने नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे लाइन वेट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करके ओके करना है। तो अब आपको ये नजर आ रहा होगा और कलर भी इसका चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ओके, अब मैं टेक्स्ट के लिए टी एंटर करता हूँ और मैं कुछ एरिया देता हूँ टेक्स्ट के लिए, और यहां पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं बोल्ड करता हूँ, थोड़ा इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, और साइज इसका मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज करता हूँ 8 इंच। 8 इंच तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं इसका साइज देता हूँ जी 3 इंच, बल्कि हमें इसका साइज यहां से 3 इंच बजाय 3 इंच के लिए मैं यहां से इसको 3 इंच मैंने इसको डायमेंशन दी और मैं इसको एंटर करता हूँ। मैं दोबारा से टेक्स्ट देता हूँ, टेक्स्ट टी एंटर और 2 इंच देता हूँ इसको, मैं हेलो लिखता हूँ और इस हेलो को बोल्ड भी कर देता हूँ मैं। ओके, इस हेलो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे मूव करता हूँ, ज़रा देखता हूँ मैं। डायमेंशन ऑलरेडी फ्रंट पे आ रही है, अगर फ्रंट पे नहीं आती तो आप इसको फ्रंट पे ला सकते थे।
मैं अब रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर रहा हूँ, देखता हूँ। और रेक्टेंगल का यहाँ से मैं वेट्स बढ़ाता हूँ, ठीक है, सही है। अब ये मेरे काम किया, और इसके बाद मैं इसको कलर भी चेंज करता हूँ। आप ये फ्रंट पे नहीं है देख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट जो ये फ्रंट पे आ जाए। तो टेक्स्ट को फ्रंट पे लाने के लिए आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ से आपने इस बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने ब्रिंग टेक्स्ट टू फ्रंट पे क्लिक करें, तो आप देखिएगा कि आपका टेक्स्ट क्या आ गया, फ्रंट पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे टेक्स्ट फ्रंट पे लाने के बाद है आपकी डायमेंशन को फ्रंट पे लाना है, तो ब्रिंग डायमेंशन टू फ्रंट। तो डायमेंशन अगर आपने दी हुई है, आप उन डायमेंशन को फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, तो आप डायमेंशन को भी फ्रंट पे ला सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इसका साइज भी थोड़ा बढ़ाता हूँ। और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ डायमेंशन फ्रंट पे आती है, तो उसके लिए मैं डायमेंशन के लिए मैं यहाँ से पहले डायमेंशन लीनियर डायमेंशन लगाता हूँ। ओके, ये डायमेंशन है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एल एंटर लाइन कोड लगा देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल। और ये जो लाइन मैंने ली है, इस लाइन की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। ओके, अब आप देखिए डायमेंशन पीछे छुप गई है उस लाइन की वजह से, तो मैं चाहता हूँ डायमेंशन हमेशा फ्रंट पे रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मॉडिफाई में जाओगे, और यहाँ से आपने करना है ब्रिंग डायमेंशन इन फ्रंट, क्लिक कीजिएगा। तो आपकी डायमेंशन इस लाइन के ऊपर तो नहीं आएगी, लेकिन ओके देखें ज़रा, अब इस लाइन का कलर चेंज नहीं आ रहा, इस वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी हमारे पास फ्रंट पे ही है डायमेंशन भी, कलर मैं इसका चेंज करता हूँ। चलिए डिलीट करता हूँ, मैं फिर दोबारा से डायमेंशन देता हूँ। तो यहाँ से डायमेंशन दी मैंने, लाइन को मूव कर देता हूँ। और सी एंटर, या मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ एक और, उस एल का साइज में यहां से चेंज करूंगा। कलर चेंज करूंगा इसका मैं, एल इंटर। देखें ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं। तो इसको फ्रंट पे लाने के लिए डायमेंशन को मैं चाहता हूँ फ्रंट पे हमेशा डायमेंशन रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ से डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं चाहता हूँ जी फ्रंट पे आए, तो यहाँ पे अपने क्या करें, ब्रिंग डायमेंशन इन फ्रंट पे क्लिक करें। तो आपकी डायमेंशन देखिए फ्रंट पे आ गया, आप देख सकते हैं डायमेंशन फ्रंट पे आ गया। और नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे डायमेंशन के बाद यहाँ पे आपके पास डायमेंशन, और डायमेंशन के बाद है लेडर, है लेडर को फ्रंट पे लाना चाहिए, तो वो भी आपका यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लेडर अप्लाई करता हूँ, तो लेडर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, लेडर आपका अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ तक मैं लेके आता हूँ, सर्कल अप्लाई करता हूँ, सर्कल लिखा मैंने। और अब यहाँ पे देखें तो लीडर में सर्कल लिखा हुआ है, और फॉर एग्जांपल एक और सर्कल इसके ऊपर अगर ड्रॉ हो जाता है फॉर एग्जांपल, और इस सर्कल की विड्थ भी चेंज करता हूँ मैं। सर्कल देखें लीडर से बैक साइड पे, तो इस लीडर को फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं ब्रेंग लीडर फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, तो लीडर हमारे पास फ्रंट पे आ गया, लेकिन लीडर का कलर चेंज है, इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। तो उसको मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ सर्कल का, तो आप देख सकते हैं कि लीडर हमारे पास कहाँ पे है जी, फ्रंट पे, आप देख सकते हैं सर्कल हमारे पास कहाँ पे है, फ्रंट पे, देखें तो फ्रंट पे लिखा हुआ आ जाएगा, तो लीडर भी हमारे पास फ्रंट पे आ गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे
ब्रिंकाल जितनी भी इनोवेशन हैं, चाहे आपका डायमेंशन होगी, टेक्स्ट हो गया, लीडर्स हो गया, सबके सबको फ्रंट पे लाना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रंट पे आ जाएगा। और उसके बाद है सेंड हैच टू बैक, तो अगर आपके पास हैच अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेक्टेंगल है, कोई भी चीज़ है, आप उसमें आपने हैच भी अप्लाई किया हुआ है, तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं हैच अप्लाई करता हूँ या ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, तो एच अप्लाई करता हूँ हैच के लिए, और ये वाला हैज अप्लाई करता हूँ, देख सकते हैं ये हैज इस पर अप्लाई हो गया यहाँ पे देखें तो। अब ये जो हैच है इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल, या सी सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल का कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से येलो। अब हैज बैक साइड पे तो उसे फ्रंट पे लाना है, तो आप यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और करेंगे सेंड हैच टू बैक, तो जो ऑप्शन होगा उसके वो बैक पे चला जाएगा या फिर फ्रंट पे चला जाएगा। अब देखें हैच हमारे पास फ्रंट पे है तो ये बैक पे चला जाएगा, देख सकते हैं। तो ये जी हैच का ऑप्शन भी हमने अप्लाई कर लिया और ये सारे काम हमने कर लिए। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और जहाँ तक हमने काम किया वहाँ तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली इस पर काम कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।